संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। आजादी के शहीदों को लाल सलाम। आजादी के शहीदों को लाल सलाम। आवाज़ दो। धर्म निरपेक्ष एकता जिंदाबाद। अज असी CDU पंजाब वालों देश दे स्वतंत्रता दिवस 70वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अज असी इस स्वतंत्रता दिवस है जिहड़ा कॉमरेड विजय मिश्रा नू समर्पित करके मना रहे हैं। अज सारे देश दे विच जिथे आजादी का दिहाड़ा मनाया जा रहा है उत्थे इस गल ते चिंता भी प्रगट की जा रही है कि जो मनोरथ साडे देश दे महान शहीदां दा सी अज दियां मौके दियां सरकारां उस तो पिछे हट रही ने। जिहड़ा साडा नारा सी भी असी देश दे विच धर्म निरपक्षता नू समाजवाद नू लोकतंत्र नू मजबूत करांगे, अज उहदे ते वड्डे हमले हो रहे ने। इस लई अज साडे कोले विचार करन दी बहुत वड्डी जरूरत है। यही महान शहीदां नू शरदा दे फुल भेट होणगे। यही असी जे अज दे दिन नू संकल्प दिवस दे नां ते मनाईए कि असी देश दे संविधान दी रक्षा करांगे, असी धर्म निरपक्षता की रक्षा करांगे, असी पब्लिक सैक्टर की रक्षा करांगे। यही अज दे दिन ते असी संकल्प लवांगे ते मैं फिर वो महान शहीदां नू शरदा दे फुल भेट करदा जिन्हां ने साडा देश आजाद करवाया। परमजीत सिंह जिला प्रधान CDU पंजाब। अजी हर साल की तरह बजाज एंड संस के सामने आजादी का दिवस मना रहे हैं। अज 70वां आजादी दिवस है। मैं अज प्रधानमंत्री का भाषण भी सुनिया, उन्होंने महंगाई के बारे च एक गल नहीं की, उन्होंने बेरोजगारी के बारे एक गल नहीं की, उन्होंने अपनी राजनीति की गल की है। जिस तरह 144 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री के तौर पर ने BJP के नेता के तौर पर उन्होंने अज का भाषण सीगा। अज जिहड़ियां लोड़ां वा महंगाई दी, अज जिहड़ी बेरोजगारी जिहड़ी बड़ी वड्डे पद्धर दे उत्ते जिहड़ी आ फैल रही है, अज उहदे खिलाफ़ लड़ाई लड़न की लोड़ आ। अज 44 कानून जिहड़े उन्हां तों 4 कोड बनाए गए आ उहदे खिलाफ़ लड़ाई लड़न की लोड़ आ। आउण वाले समें दे विच असीं मजदूर जमात नूं एकजुट करके इन्हां दे खिलाफ़ संघर्ष की शुरुआत करांगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। का प्रस्तावता मुर्दाबाद। मैं गवर्नर बलराम सिंह CDU पंजाब पंजाब कमेटी मेंबर। आज जो आज़ादी हमें मिली है 70वां दिवस हम मना रहे हैं और हमें आज़ादी में मजदूरों को बहुत कुछ मिला, कानून मिले, लेकिन जो सरकार मौजूदा है मोदी की ये सारा कुछ ही ख़त्म कर रही है और मजदूरों को जो हाल हुआ है सबसे बदतर हाल हुआ है। 1956 में हम मिनिमम वेज लागू करवा लिए थे, आज ठेके पे काम करवाया जा रहा है, कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। आज का जो मौजूदा सरकार है इसको हमें बदलना होगा और हमारा जो एकता है उसको हमें आज़ादी का हमें उसको ठीक रखना होगा। ਹੌਜਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬਜਾਜ ਸੰਘ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਹੌਜਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। का प्रस्तावता मुर्दाबाद। फिर का प्रस्तावता मुर्दाबाद। देश भगत ताकता जिंदाबाद। आजादी के शहीदों को लाल सलाम।